मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी साहित्य के एक नए अध्याय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अध्याय संख्या 12। और इस पाठ का नाम है, इस अध्याय का क्या नाम है? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ने का अभ्यास किया था। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? किसी राष्ट्रीय प्रतीक जो है किसी भी देश की पहचान, किसी भी देश के पहचान होते हैं। यह जो राष्ट्रीय प्रतीक है किसी भी देश की पहचान होती है। यह जो है राष्ट्रीय प्रतीक एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। एकता और जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? तो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। इंग्लिश इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना, इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं। किससे आजादी मिली? अंग्रेजों से आजादी मिली। अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के पहले या आजादी तक हम लोगों के पास जो है कोई भी हमारे देश का प्रतीक चिन्ह, जिसे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहते हैं, कोई कुछ नहीं था। बाद में आजादी मिलने के बाद जो है सारी चीजें आई। तो अभी हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक में कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हम क्या मनाते हैं? ये आजाद हुआ था हमारा देश, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को। और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? तो इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ, हमारे देश के लिए कानून बना, संविधान बना। और इसलिए यह राष्ट्रीय प्रतीक एकता का और अखंडता का प्रतीक है, क्योंकि भारत में हमारे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितनी भी टोटल जनसंख्या है, वो सभी जो है इसे मानते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक को सभी मानते हैं, सभी सम्मान करते हैं। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है? तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सबसे पहले है राष्ट्रीय चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ क्या है? तो अशोक स्तंभ एक इस तरह से पिलर बना हुआ है, ठीक है? इस तरह से पिलर बना हुआ है और उस पर जो है उस पर चार सेठ जो है चारों दिशाओं में चार सेठ खड़े हैं, ठीक है? लेकिन हम लोग क्या होता है, एक दिशा से देखने पर 3 ही सेठ दिखाई देते हैं और पीछे का सेठ छिप जाता है। यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। इसे यह अशोक स्तंभ सारनाथ में है, वहां से लिया गया है। और इस अशोक स्तंभ में चार सिंह है, उसके आधार पर उसके ये जो आधार है अशोक स्तंभ का, जो आधार है ये आधार, इस आधार पर भी
एक बैल, एक घोड़ा, एक हाथी का चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो बैल और घोड़े के बीच में, बैल और घोड़े के बीच में एक अशोक चक्र बना हुआ है, इस तरह से अशोक चक्र बना हुआ है। और ये अशोक चक्र हम लोग कहाँ देखते हैं? ये अशोक चक्र हम लोग देखते हैं तिरंगे झंडे में देखते हैं। तो यही अशोक चक्र जो है, यह इसे उसे यहाँ से जो है उस पर लिया गया है, हमारे हमारे राष्ट्रीय तिरंगे झंडे पर। तो यह राष्ट्रीय चिन्ह अभी से कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। हम लोग देखते हैं कि इस एक साइड से देखने पर तीन शेर दिखता है। अब ये चिन्ह जो आप लोग अशोक स्तंभ वाला चिन्ह जो है, जो आप देख सकते हैं, वह हम जितने भी सरकारी कागज है, गवर्नमेंटल पेपर जितने भी हैं, उस पर जो है रहता है। हम करेंसी नोटों पर भी देख सकते हैं, रुपया का रुपया उसमें भी देख सकते हैं, अशोक स्तंभ का चिन्ह बना रहता है। तो हमें ये चीज जो है, इसे राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो गया? अशोक स्तंभ हो गया। इसके बाद है दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है, तिरंगा। तिरंगा जो है हमारा, तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें तीन कलर है, तीन कलर की पट्टी होती है, होती है ना। उसमें पहला क्या होता है? इस तरह से होता है, तीन कलर। होता है ये राष्ट्रीय ध्वज है। इसे सबसे ऊपर का पट्टी किस रंग का होता है? तो केसरिया। कैसा होता है? केसरिया। बीच का सफेद और नीचे वाला पट्टी किस रंग का होता है? हरा। किस रंग का होता है? हरा। केसरिया सफेद और हरा। अब देखिए केसरिया रंग का जो पट्टी होता है, सबका अपना अपना मतलब है। केसरिया रंग का पट्टी जो होता है उसको क्या है? तो केसरिया रंग का पट्टी जो है, केसरिया रंग के बाद साहस और बलिदान का, साहस और बलिदान, बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद दूसरा क्या है? तो दूसरा है सफेद रंग। सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो सफेद रंग जो है वह शांति का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। और तीसरा है हरा रंग। तो हरा रंग जो है, अब इसको यहां से मिटाते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, तीसरा है हरा रंग। तो हरा रंग जो है वह किसका प्रतीक है? तो हरा रंग समृद्धि, समृद्धि एवं हरियाली, समृद्धि एवं हरियाली का प्रतीक है। हरियाली, हरा भरा, ठीक है। और समृद्धि, सुखी संपन्न, जिसको बोलते हैं समृद्धि का प्रतीक है। धन वैभव से परिपूर्ण, इसे समृद्धि बोलते हैं। तो ये तीन रंग जो है, केसरिया हरा और केसरिया सफेद और हरा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में ये तीन रंग है। तीनों का कुछ न कुछ अर्थ है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, और हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। और ये जो बीच में जो चक्र है, ये
जिसे अशोक चक्र कहते हैं, इसमें कितनी तीलियां हैं? 24। अशोक चक्र में ये जो बीच में देख रहे हैं सफेद पट्टी में अशोक चक्र, इसका क्या नाम है? अशोक चक्र। इसमें कितनी तीलियां होती है? 24। कितनी होती है? 24 तीलियां। ये जो देख रहे हैं ना, ये 24 तीलियां होती है। अब ये जो अशोक चक्र है किसका प्रतीक है? प्रगति का, प्रगति का प्रतीक है। इसका प्रतीक है अशोक चक्र प्रगति। प्रगति मतलब हमेशा बढ़ने बढ़ते, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का प्रतीक है। तो ये हुआ, ये थोड़ा डिटेल हुआ किसके बारे में? हमारे राष्ट्रीय ध्वज। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। जितने भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक है, सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह जो है हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की क्या है? ये पहचान है, और हमें जो है इसका सम्मान करना चाहिए। तो ये तो हम लोगों ने दो पढ़ा, एक पढ़ा राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जो अशोक स्तंभ है, दूसरा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है। इसमें तीन रंग होते हैं और तीनों का अलग अलग अर्थ है, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान, लेकिन राष्ट्रीय गान बताने से पहले एक चीज थोड़ा सा छूट गया है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है, राष्ट्रीय चिन्ह में देखिएगा वहां पर जो आधार है, राष्ट्रीय चिन्ह के आधार में एक वाक्य लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। लिखा हुआ है सत्यमेव, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। यह हमारा क्या है? आदर्श वाक्य है। यह हमारा आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य के राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। ये अभी आप लोगों को नहीं पता, एक उपनिषद है, उपनिषद से लिया गया है। उस उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ये वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है, और इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही, सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का मतलब हमेशा सत्य की ही विजय होती है। ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, आदर्श वाक्य भी बोल सकते हैं। ये भी जो है वो अशोक स्तंभ के बेस पर, आधार पर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय गान। ऐसा कि हम जानते हैं जन गण मन क्या है? तो जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान, जन गण मन, जनगणमन। जनगणमन जो है हमारा राष्ट्रीय गान है। इसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कब लिखा? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, गुरुदेव गुरुदेव रविन्द्र टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रीय गान को। राष्ट्रीय गान को पहली बार राष्ट्रीय गान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान को सबसे पहले पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कोलकाता के अधिवेशन। ए
अधिवेशन। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था और इसे स्वीकार कब किया गया था, तो राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। कब किया गया स्वीकार, तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। और इसे गाने में जो है, हमें ही जब हम राष्ट्रीय गान गाते हैं तो हमें सावधान की स्थिति में खड़ा रहना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, बातचीत नहीं करना चाहिए, हमें हमारे राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड। गाने का समय क्या है, राष्ट्रीय गान गाने का समय है 52 सेकंड। मतलब अगर हम राष्ट्रीय गान गा रहे हैं जनगण गण मन, तो 52 सेकंड का समय लगता है इसे गाने में। पूरा गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकंड। तो ये थोड़ा सा नॉलेज जो है, ये जानकारी राष्ट्रीय गान के लिए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में इस अध्याय के रूप में, इस पार्ट का और थोड़ा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।